बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को ऐनुल यकीन चैनल पे खुश आमदीद। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन। एक दाना आदमी से पूछा गया, जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल होती है? दाना ने कहा, इसका जवाब लेने के लिए आपको आज रात का खाना मेरे पास खाना होगा। सब दोस्त रात को जमा हो गए। उसने सूप का एक बड़ा बर्तन सबके सामने लाकर रख दिया, मगर सूप पीने के लिए सबको एक एक मीटर लंबा चम्मच दे दिया और सबको कहा कि आप सब अपने अपने लंबे चम्मच से सूप पिए। हर शख्स ने कोशिश की, मगर जाहिर है ऐसा नामुमकिन था। कोई भी शख्स चम्मच से सूप नहीं पी सका। सब भूखे ही रह गए, सब नाकाम हो गए। तो इस दाना ने कहा, मेरी तरफ देखो। उसने एक चम्मच पकड़ा, सूप लिया और चम्मच अपने सामने वाले शख्स के मुंह से लगा दिया। अब हर शख्स ने अपना अपना चम्मच पकड़ा और दूसरे को सूप पिलाने लगे। सब के सब बहुत खुश हुए। सूप पीने के बाद दाना आदमी खड़ा हुआ और बोला, जो शख्स जिंदगी के दस्तरखान पर अपना ही पेट भरने का फैसला करता है वो भूखा ही रहेगा, और जो शख्स दूसरों को खिलाने की फिक्र करेगा वो खुद कभी भूखा नहीं रहेगा। देने वाला हमेशा फायदे में ही रहता है लेने वाले से। हम सब की कामयाबी का रास्ता दूसरों की कामयाबी से होकर गुजरता है। रब्बुल आलमीन हमें दूसरों का ख्याल रखने के अमल से मालामाल फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।